रिलैक्स मिसेस बत्रा, थोड़ा टाइम लगेगा। ओ मदर ऑफ लाइफ, ओ फादर ऑफ द यूनिवर्स। डॉक्टर साहब ये मंदिर नहीं है, बच्चा निकालिए यार, क्या कर रहे हैं आप? हेलो जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज़ के फर्स्ट डे अपडेटेड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों फिल्म ने दिन भर यानी कि पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई की, और क्या इस फिल्म ने सलमान खान की फिल्म दबंग 3 का रिकॉर्ड तोड़ा या नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों बॉलीवुड में वैसे तो हर हफ्ते कोई ना कोई फिल्म रिलीज होती रहती है, जिसमें से कुछ फिल्में हो जाती है सुपरहिट और कुछ फिल्में हो जाती है फ्लॉप। लेकिन दोस्तों बॉलीवुड में कुछ ऐसे भी स्टार हैं जिनकी फिल्मों का इंतज़ार उनके फैंस बेसब्री से करते हैं। यहाँ तक कि फैंस तो छोड़िए, नॉर्मल पब्लिक जो होती है जिन्हें अच्छी फिल्में देखने का शौक़ है, वो भी उन सुपरस्टार की फिल्मों का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और ऐसे सुपरस्टार में सबसे पहले नाम आता है इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार अक्षय कुमार का। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार ने पिछले कुछ सालों से जितने शानदार फिल्में की है उसके बाद पब्लिक का भरोसा अक्षय कुमार पे बन चुका है कि भैया अक्षय कुमार जब भी कोई फिल्म लाएंगे तो फिल्म हटके होगी और फिल्म देखकर हमारा पैसा वसूल हो जाएगा। और दोस्तों ऐसा ही होता रहा और आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस हफ्ते अक्षय कुमार की एक और फिल्म रिलीज हो गई जिस फिल्म का नाम है गुड न्यूज। और दोस्तों सही मायने में देखे जाए तो फिल्म का जो नाम है वो फिल्म को पूरी तरह से सूट करता है, क्योंकि दोस्तों फिल्म बिल्कुल में सभी ऑडियंस के लिए और बॉक्स ऑफिस के लिए एक गुड न्यूज लेकर आई है। दोस्तों बता दें आपको, फिल्म लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है और फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस फिल्म ने दबंग 3 का फर्स्ट डे कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ा या नहीं। तो रुकिए दोस्तों, बताते हैं पूरे वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राज मेहता ने और फिल्म के प्रोड्यूसर है करण जौहर। वही दोस्तों फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में है बॉलीवुड के किंग खिलाड़ी अक्षय कुमार और उनके साथ में है बेबो यानी कि करीना कपूर। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में है पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ और हमारी अपनी कियारा आडवाणी। बात की जाए दोस्तों फिल्म के बजट की, तो फिल्म का बजट काफी लिमिटेड है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने कोई फीस नहीं ली और खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे, जिसके चलते फिल्म का बजट काफी लिमिटेड रह गया है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी फिल्म बनाने में खर्चा आए हैं 55 करोड़ रुपए। वही फिल्म का प्रिंट और पब्लिसिटी कॉस्ट है 25 करोड़ रुपए का। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का टोटल बजट 80 करोड़ रुपए हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, फिल्म का बजट तो 80 करोड़ रुपए का है, लेकिन फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही अपना बजट रिकवर कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि भैया फिल्म तो रिलीज हुई नहीं, उसके पहले फिल्म ने बजट कैसे रिकवर किया। तो दोस्तों आपको बता दें, फिल्म के जो सैटेलाइट राइट है वो बिक चुके हैं 45 करोड़ में, और डिजिटल राइट वो बिके हैं 30 करोड़ में, और फिल्म के म्यूजिक राइट वो बिके हैं 15 करोड़ में। इसी के साथ दोस्तों फिल्म ने अपने डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट बेचकर टोटल रिकवरी कर ली है 90 करोड़ की। फिल्म को क्रिटिक्स ने जहां 3, 4 और 4.5 स्टार दिए, वही पब्लिक रिव्यूज भी फिल्म के काफी पॉजिटिव है। जी हां दोस्तों, आपने मेरे चैनल पे चेक किया होगा कि मैंने खुद भी गुड न्यूज के पब्लिक रिव्यू डाले हैं, और जितने भी पब्लिक से मैंने गुड न्यूज फिल्म के बारे में पूछा, सभी ने फिल्म की भर भर के तारीफ की। इसी के कारण दोस्तों फिल्म को मॉर्निंग वाले शोज में तो ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी मिली थी, लेकिन नाइट और इवनिंग के शोज में फिल्म ने फाड़ के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें सुबह से लगा के शाम तक की ऑक्यूपेंसी के बारे में, तो फिल्म को मॉर्निंग वाले शोज में लगभग 40-45% के बीच में ऑक्यूपेंसी मिली, वही आफ्टरनून वाले शोज में 55-60% की। लेकिन दोस्तों इवनिंग वाले शोज में तो फिल्म ने आग लगा दी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को इवनिंग वाले शोज में लगभग 75-80% की ऑक्यूपेंसी मिली, और कई जगह पर तो ये फिल्म पूरी तरह से हाउसफुल साबित रही। तो दोस्तों जो अभी तक की रिपोर्ट आई है और जो डाटा सामने आया है, उस हिसाब से गुड न्यूज फिल्म अपने पहले दिन इंडिया में नेट कलेक्शन कर चुकी है लगभग 30 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन 30 करोड़ रुपए का करके पिछले हफ्ते रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म दबंग 3 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, दबंग 3 ने अपने पहले दिन 24 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे, जिसमें दबंग 3 हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और कन्नाडा में भी रिलीज हुई थी। इसके अलावा दबंग 3 के पास गुड न्यूज से ज्यादा स्क्रीन थी, लेकिन दोस्तों इतनी पॉजिटिविटी होने के बाद भी दबंग 3 के
कलेक्शन को यहाँ पे गुड न्यूज ने बड़े आराम से तोड़ दिया। वही बात करें दोस्तों ग्रोस कलेक्शन की, तो फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन लगभग 34 करोड़ रुपए रहा। वही ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने पहले दिन कमाई की है 12 करोड़ की। इसी के साथ दोस्तों फिल्म का पहले दिन का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन रहा लगभग 45 से 46 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म लगभग 50 करोड़ के आसपास आकर रुक गई। हालांकि कोई बात नहीं दोस्तों, फिल्म ने पहले दिन 50 करोड़ का टच नहीं किया तो कोई बात नहीं, कल या परसों में फिल्म बड़ी धूम मचाने वाली है, क्योंकि दोस्तों फिल्म लोगों को आ चुकी है पसंद। वैसे दोस्तों अगर अभी तक भी आपने गुड न्यूज़ फिल्म नहीं देखी तो पहली फुर्सत में फिल्म की टिकट बुक करी और गुड न्यूज़ फिल्म को देखकर जरूर आए, काफ़ी एंटरटेनिंग और पैसा वसूल फिल्म है। और अगर आप गुड न्यूज़ फिल्म देखकर आ चुके हैं तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, सुपर हिट या सुपर फ्लॉप? हालांकि सुपर फ्लॉप तो आप बोलोगे नहीं, लेकिन फिर भी कमेंट करके बताएं कि ये फिल्म आपको कैसी लगी है। और साथ ही साथ दोस्तों गुड न्यूज़ फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए मेरे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।